अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं किचन में जो है अपने लिए गोल्डन मिल्क बनाने आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मैं शेयर कर लूं। मैं हर विंटर में हर दफा नहाने के बाद एक कप गोल्डन मिल्क जरूर लेती हूँ। गोल्डन मिल्क की इतनी ज्यादा फायदियत है हमारे अंदरूनी तौर पर, तमाम सिस्टम्स के ऊपर इसका इफेक्ट इतना पॉजिटिव है कि इसको हफ्ते में एक दफा तो लाजमी लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको डेली भी ले लें और आपको सूट करता है तो आप डेली भी ले लें, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, या हर दो तीन दिन के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। अब गोल्डन मिल्क में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हल्दी है, टर्मेरिक। टर्मेरिक जो है इसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो इसके लिए मेरा ख्याल है ये वीडियो भी कम हो जाएगी। हल्दी जो है उसका सबसे पहला, विंटर में क्यों इसको बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, मैं उस हवाले से आपसे बात करूंगी कि टर्मेरिक में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक जो है वो अफादियत पाई जाती है। यानी कि सर्दियों में अगर वायरस या बैक्टीरियल या एलर्जी का कोई अटैक आप पे होता है और अंदरूनी तौर पे आपको कुछ प्रॉब्लम करता है, तो इसको अगर आप लेते रहेंगे तीन दिन लगातार और उसके बाद एक या दो दिन छोड़ के फिर लेना है। अब विंटर में आप देखें कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स की टूट फूट भी हो रही होती है, उसको ये एक हेल्दी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बनाने में हेल्पफुल होता है। मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है टर्मेरिक। इसके साथ साथ हमारे जो बॉडी के अंदर जो कैंसर के सेल्स अगर किसी के बन रहे हो तो उसको भी ये रोक देता है और उसकी जो बढ़ने की स्पीड होती है उसको कम कर। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन और की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वेट लॉस में जो है ना इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ये कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, रंग गोरा करता है, हार्मोन्स को रेगुलर कर देता है। जो है ना हार्मोन इनबैलेंस की वजह से कभी आपने देखा होगा कि लड़कियों के चेहरों पे बहुत ज्यादा बाल आने लग जाते हैं या बहुत ज्यादा दाने एक्नी निकलना शुरू हो जाता है हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से। और हार्मोन के इनबैलेंस की वजह से बाजू का आपका शुगर लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से आपकी शुगर लेवल जो है और डायबिटीज वो भी कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा ये एंटी एजिंग है, यानी कि जो आपके एजिंग साइंस हैं उनको बहुत डिले कर देता है। एंटी रिंकल है, यानी कि आपके रिंकल्स जो है वो बहुत एज तक नहीं पड़ते। स्किन को टाइट रखता है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कहीं पर भी हार्ट की कोई भी ब्लॉकेज हो उसको दूर कर देता है। इसके अलावा एंटी डिप्रेशन है, एंजाइटी डिप्रेशन उसको ये कम करने में हेल्पफुल होता है। और जिन लोगों को रात को नींद सही नहीं आती वो रात को पी के सो जाए तो उनको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। इसके साथ साथ आपके हर तरह के ये जॉइंट पेन्स के लिए बेहतरीन है, ऑर्थराइटिस की वजह से जिनको पेन है वो इसके लिए बहुत अच्छा है। फ्रैक्चर्स हो जाए, कोई हड्डी टूट जाए, उस सूरत में अगर आप इसको रेगुलर रोजाना पिए हड्डियां जो है वो दोबारा से जो है उनको स्ट्रांग हो जाती हैं और आपकी हड्डियां जल्दी जुड़ जाती हैं। तो अब मैं आपको चल के बताती हूँ कि आप इस गोल्डन मिल्क को बनाएंगे कैसे। टू कप ऑफ गोल्डन मिल्क बनाने के लिए हम 2.5 कप ऑफ मिल्क लेंगे और इसमें 2 कार्डमम यानी सब्ज़ इलायची डाल देंगे, 2 टुकड़े दारचीनी यानी सिनेमन स्टिक्स के भी डाल देंगे। और जब इसको उबाल आ जाएगा तो आंच को दरमियाना यानी मीडियम हीट के ऊपर कर देंगे। और जब ये उबलने लग जाएगा तो इसमें 2 चुटकी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर की हम डाल देंगे, क्योंकि ये जो है ये जो टर्मेरिक है इसको हजम होने में और जिस्म में एब्जॉर्ब होने में मदद करती है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें मैं ताज़ा हल्दी ले रही हूँ और इसका इतना बड़ा पीस काफ़ी होगा, तो अब इसका छिलका उतार के और इसके छोटे छोटे स्लाइसेस काट के तो मैं इसको किसी भी चीज़ में बारीक कूट लूँगी। और अगर हम इसको मैयर करें तो ये तकरीबन एक फुल भरी हुई टीस्पून, 1 टीस्पून जो है टर्मेरिक जो है वो बन जाती है। अब आप इसमें यूँ डाल दें, अगर आपके पास ये ना हो तो आप पाउडर टर्मेरिक भी यूज़ कर सकती हैं और ये 1/2 टीस्पून काफ़ी होगी। अब इसको 5 मिनट के लिए उबालने दें। अब इसमें कोई भी स्वीटनर आप डाल दें, चीनी डाल दें, हनी डाल दें, कुछ भी डाल के मीठा डाल दें। और अब आपने क्या करना है कि ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन मिल्क तैयार है। और अब इस गोल्डन मिल्क को गरम गरम ही आपने स्ट्रेनर के साथ पुन लेना है, किसी भी पोनी के साथ पुन लेना है। और पुनने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत तैयार है जी। तो मेरा गोल्डन मिल्क हो गया है रेडी और अब मैंने ये हीटर लगा लिया है। हीटर के सामने बैठ के अब मैं मज़े से पीऊंगी गोल्डन मिल्क
और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।